राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? तो राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। दूसरा प्रश्न है, कैकेयी की दासी का नाम क्या था? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। तीसरा प्रश्न है, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर कैसे लिखेंगे? मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? उत्तर लिखेंगे, मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकेयी का मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। प्रश्न है, रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? मंथरा ने रानी कैकेयी को राजा दशरथ से वो दो वरदान मांगने को कहे जो उन्होंने रानी कैकेयी को दिए थे। कब दिए थे? एक बार युद्ध में जब राजा पराजित हो रहे थे तब उस समय उन्होंने रानी ने राजा की मदद की थी कैकेयी ने, तब उन्होंने दो वरदान का वादा किया था उनसे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए, यानी कि बिल्कुल स्तंभित रह गए, वो बिल्कुल सफ़ेद फक पड़ गया उनका चेहरा और मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसके बाद प्रश्न आता है, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? उत्तर इस प्रकार से है, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। आज के ये प्रश्नोत्तर आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना भी मत भूलना, जिससे कि सारे जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं सबके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।